सुप्रभात बच्चों, पिछले वीडियो में आपने पहलवान लोटन सिंह के बारे में जान लिया था कि उसने कैसे शाही पहलवान की पदवी हासिल की सामने वाले पहलवान चांद सिंह को हराने के पश्चात। और उसके बाद में उसके साथ में एक चीज़ जुड़ के आ गई कि वो राजा ने उसको सिंह टाइटल दे दिया था, जिस पे कुछ लोगों ने ऐतराज़ भी किया था और तर्क भी दिए थे, लेकिन राजा ने हर एक की बात को दरकिनार करते हुए उसको लोटन सिंह बना दिया था। अब उसके बाद का ये अंक है, उसके बाद से वह राजदरबार का दर्शनीय जीव ही रहा, यानी काफ़ी समय तक किसी की हिम्मत नहीं उसके साथ में लड़ने की। वो केवल क्या हो गया, एक दर्शनीय जीव हो गया, केवल देखने का जीव हो गया, जैसे शोकेस पहलवान हो गया, वो शोकेस में ही रहने वाला पहलवान हो गया। चिड़िया खाने में पिंजड़े और जंजीरों को झकझोर कर बाघ दहाड़ता, हाँ हूँ सुनने वाले कहते, राजा का बाघ बोला। और ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता, महावीर, तो लोग समझ लेते थे पहलवान बोला। यानी पहलवान लुट्टन सिंह की तुलना किसके साथ में की गई है, बाघ के साथ की गई है, कि जैसे ही बाघ हाऊं हाऊं करता तो लोगों को पता चलता कि राजा का बाघ बोल रहा है, और जैसे ही लुट्टन कहता जय हनुमान जय महावीर तो लोग समझ लेते थे कि अच्छा ये तो लुट्टन बोल रहा है, पहलवान है राजा। मेलों में वह घुटने तक लंबा चोगा पहने, अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता, दुकानदारों को चूहल करने की सूझती, मजाक करने की सूझती, छेड़ते थे लोग उसको, मजाक किया। हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता किसको, लुट्टन सिंह को, कहता पहलवान काका ताज़ा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता तो कर लो। तो पहलवान ही कौन सा कम था मजाक में, पहलवान भी कहता था। बच्चों किसी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी काहे, खाली नाश्ते पे टालोगे क्या, ले आओ 1.5 शेर, कम से कम 1.5 शेर तो लेके आओ, वजन होता है। और बैठ जाता था जम के ला, यानी मजाक में उसको टोका कि आ जाओ नाश्ता कर लो, तो गले पड़ जाता था लोगों के। 2 शेर मंगाए कितने, 1.5 शेर, और 2 शेर रसगुल्ला को उधरस्त करके मुंह में 8-10 पान की गिलोरियां ठूस, ठुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल से मेले में घूमता हुआ चलता था। मेले से दरबार लौटने के समय उसकी अजीब हुलिया रहती थी, जब राजा के दरबार में वापसी होती थी उसकी, तो बड़ा अजीब, उसमें जो दिमाग था ना वो पहलवानों वाला नहीं था, बच्चों वाला दिमाग उसके अंदर था। अजीब हुलिया उसकी हो जाती थी, कैसे, आंखों पर रंगीन अबरक का चश्मा, जो पन्नी वाली ऐनक होती हैं जो मेलों में मिलती हैं, जिसमें रबड़ लगी हुई होती है, रंगीन पन्नी लगी हुई होती है, वो रंगीन पन्नी का वो गोल ऐनक पहन के आता, हाथ में खिलौने को नचाता हुआ, और बच्चों की तरह हाथ में कोई खिलौना ले लेता था मेले में से उसको, खेलता हुआ आता उसके साथ, और मुंह से पीतल की सीटी बजाता हुआ आता। पहले जो विसिल आती थी वो पीतल की आती थी, मेटल वाली, तो मेले में उसको बजाता हुआ आता, हंसता हुआ वापस राजा के दरबार में आता था। अच्छा, उसके बाद में बल और शरीर की वृद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था। तो शरीर में ताकत तो असीमित थी, लेकिन दिमाग में बुद्धि बच्चों की बुद्धि के बराबर थी। दंगल में ढोल की आवाज़ सुनते ही अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था, अंग प्रदर्शन करता था कि देख मैं हूँ पहलवान, जैसे ढोल की आवाज़ सुनता था। लेकिन उससे कोई लड़ता तो था ही नहीं, उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। यदि कोई उसे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा नहीं देते, वो राजा को पता था कि मार देगा उसको जान से, इसलिए लुट्टन को कहते थे ना तू मत लड़ इसके साथ, तू मार देगा उसको। इसलिए वे निराश होकर, अब बेचारा का शौक था लड़ना लेकिन कोई लड़ने को तैयार नहीं था उसके साथ में, इसलिए वो भी निराश होकर लंगोट लगाकर फिर क्या करता था, लंगोट पहन लिया, और देह में मिट्टी मलकर उछल कूद कर अपने आप को सांड या भैंसा साबित करता रहता था। यानी उसमें शोबाजी थी, अपने शरीर का प्रदर्शन करने की उसको आदत थी, जब कोई लड़ने को तैयार नहीं होता तो बस फिर वो छाती चौड़ी करके लोगों को दिखाता था, अपना रोब जमाता था। बूढ़े राजा साहब देख देख कर मुस्कुराते रहते, राजा साहब देखते थे उसकी ओर और मुस्कुराने लगते थे कि देख दिमाग से पहलवान। यूं ही 15 वर्ष बीत गए, राजदरबार में रहते रहते पहलवान अजय रहा, यानी कोई इसको जीत नहीं पाया, परास्त नहीं कर पाया। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को, अब उसके 2 पुत्र भी हो गए थे, उनको लेकर के वो दंगल में आता था। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी, जिसने पहलवान का पालन पोषण किया था वो सास गुजर चुकी थी, और पहलवान की स्त्री यानी पहलवान की पत्नी भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी। तो ये उसके परिवार में उतार चढ़ाव आए कि उसकी सास जिसने उसका पालन पोषण किया वो भी मर गई, और 2 पुत्र पैदा करने के बाद में, पहलवान तगड़े पुत्र पैदा करने के बाद में उसकी पत्नी भी मर गई। दोनों लड़के पिता की तरह ही गठीले और तगड़े थे,
दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता था, अनायास मतलब अचानक ही निकल पड़ता था, वाह बाप से भी बढ़कर निकलेंगे दोनों बेटे। लोग कहा करते थे कि ये दोनों बेटे तो अपने बाप को पीछे छोड़ देंगे। दोनों ही लड़के राजदरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। राजा ने घोषणा कर दी थी कि लुट्टन सिंह का स्थान कौन लेंगे, उसके दोनों बेटे लेंगे, यानी वो राजदरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। और जब शाही पहलवान घोषित हो चुके थे तो सीधी सी बात है कि जो खाना वाना मिलना था, डाइट मिलनी थी, वो भी सरकारी मिलनी थी। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजा कर दोनों से कसरत करवाता था। रोजाना अपने बच्चों से, अपने बेटों से कसरत करवाता था। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता और साथ ही साथ उनको बताता कि समाज में लोगों के साथ मिलजुल के हमें कैसे रहना है। साथ ही साथ ढोलक के बारे में बताता था, क्या कहता था उसका लेक्चर सुनिए, अपने बच्चों के लिए लेक्चर देता था वो, समझे, ढोलक की आवाज़ पर पूरा ध्यान देना। हाँ मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है, समझे, ढोल की आवाज़ के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना, समझे। ऐसी ही बहुत सी बातें वह कहा करता था। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, यानी राजा साहब को कैसे खुश रखना है, इसकी ट्रेनिंग भी प्रॉपर तरीके से अपने बच्चों को देता था। कब कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि की शिक्षा भी वह अपने बच्चों को निरंतर प्रतिदिन नित्य प्रति दिया करता था। उसके बाद बच्चों अगला पेज आ गया, पेज नंबर 114। किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए किराए पर एक दिन पानी फिर गया। अपने बच्चों को उसने ट्रेनिंग दी, लेकिन एक दिन क्या हुआ, सारी ट्रेनिंग पे पानी फिर गया। क्यों क्या हुआ भाई, वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए, राजा साहब तो गए, नए राजकुमार ने विलायत इंग्लैंड से आ गया राजकुमार पढ़ाई लिखाई करके, अपना आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया, पूरा राजकाज अपने हाथ में लिया सीधा सीधा। राजा साहब के समय शिथिलता आ गई थी, राजकुमार के आते ही दूर हो गई। अब सत्ता परिवर्तन हो गया था, नया राजा बन गया था, तो जो पुराना राजा था वो बुढ़ापे के कारण इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था, उस एक्टिव अब जो नया राजा आया वो उस पैसिवनेस को उसने आते ही दूर कर दिया। बहुत से परिवर्तन हुए। अब आपको पता है जब परिवर्तन, जब सत्ता परिवर्तन होता है, राजा बदलता है, तो आमूलचूल परिवर्तन तो होते ही, पूरी व्यवस्था ही बदल जाती है। उन्हीं परिवर्तनों की चपेटाघात में पड़ा पहलवान भी, और इसका साइड इफेक्ट किस पर हुआ, पहलवान पर भी हुआ। दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने ले लिया। वो तो इंग्लैंड से पढ़ के आया था, उसे तो कुश्ती में रुचि थी नहीं, इसलिए उसने दंगल की जगह क्या करवा दिया, अखाड़े की जगह क्या करवा दिया, उसने घोड़ों की रेस का स्थान बनवा दिया। पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन व्यय सुनते ही, भाई खुराक तो थी, पहलवान अपने आप को मेंटेन करने के लिए डाइट तो लेते ही अच्छी। अब वहां हो गए थे तीन पहलवान जमा, एक तो लुट्टन और दो उसके बेटे। जब ये उनका खर्चा खाने का रोजाना का सुना, TADA सुना किसने, राजकुमार ने, तो उसने कहा टेरिबुल, इतना इतना खावे हैं लोग। नए मैनेजर साहब, मैनेजर भी बदल गया था, पहले वाला था नहीं, नए मैनेजर साहब ने कहा होरिबुल, अरे इतना। पहलवान को साफ जवाब मिल गया, स्पष्ट कह दिया गया, भाई राजदरबार में अब तेरी जरूरत नहीं है, उठा अपना सामान, बोरिया बिस्तरा बांध और चला जा। उसको गिड़गिड़ाने का मौका नहीं दिया, उसकी कोई भी आवाज बात नहीं सुनी गई। उसी दिन वह ढोलक कंधे से लटका कर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव में लौट आया और वहीं रहने लगा। गांव के एक छोर पर गांव वालों ने एक झोपड़ी बांध दी, वहीं रहकर वह गांव के नौजवान और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। उसने क्या कर लिया, अपना निजी कोचिंग सेंटर खोल लिया अपने गाँव में आकर के, और गाँव के जो लड़के थे, युवा थे, उनको कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था, अब उनके खाने पीने की व्यवस्था कौन करते थे, गांव वाले करते थे। सुबह शाम वह स्वयं ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और अपने पुत्रों को दांव पेंच वगैरह सिखाया करता था। उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग उसकी होती थी, बच्चों की भी और गांव के लड़कों की भी। गांव के किसान और खेतिहर मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा। अंत में अपने दोनों पुत्रों को ही वह ढोलक बजा बजा कर लड़ाता रहा, सिखाता रहा। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो भी कुछ लाते कमाते उसी से गुजर होने लगती थी। तभी अचानक गांव में ये बीमारी आई, कौन सी, हैजा और मलेरिया। अकस्मात गांव में यह वज्रपात हुआ। पहले क्या हुआ, उससे पहले हैजा मलेरिया से पहले अनावृष्टि हुई। अनावृष्टि का मतलब क्या होता है, बिल्कुल अकाल पड़ना, फिर अन्न की कमी, जब अकाल पड़ा तो अन्न नहीं हुआ, तब मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को भूनना शुरू कर दिया। और उसके बाद में तीसरी आफत क्या आ गई,
भाई, अनावृष्टि हुई, बारिश नहीं हुई, दूसरी आफत क्या आती, अन्न की कमी, और तीसरी आफत क्या आ गई, बीमारी। गांव प्राय सूना हो चला था, गांव का गांव खाली हो गया था, घर के घर खाली पड़ गए थे। रोज दो तीन लाशें उठने लगी थी गांव में से, लोगों में खलबली मची हुई थी कि क्या होगा पता नहीं। दिन में तो कलरव, हाहाकार तथा हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा दृष्टिगोचर होती थी। शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग कांखते कूकते कराहते अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आत्मियों को ढांढस दे देते थे। यानी दिन का जो था वो तो ठीक ठाक गुजर जाता था, लेकिन रात का गुजरना बड़ा मुश्किल था। अरे क्या करोगी रोकर दुल्हन, कोई बिल्कुल नवविवाहिता है, उसका पति मर गया तो उसको पड़ोस की महिलाएं ढांढस बंधाती हैं, कहती हैं अरे दुल्हन क्यों रो के परेशान हो रही हो, क्या होगा, रोने से क्या मिलेगा, जो गया सो तो चला गया, वह तुम्हारा था ही नहीं, तुम्हारी किस्मत में उसका इतना ही साथ था, वह जो है उसको तो देखो, अब बच्चे तो हैं उन पे तो ध्यान दो। दूसरे घर की बात बताता है, भैया घर में मुर्दा रख के कब तक रोओगे, तो घर वालों ने कहा कफन चाहिए ना। अरे कफन की क्या जरूरत है, दे आओ नदी में, फेंकाओ नदी में, ऐसे ही। तो जो अमेरिका में अभी अभी हाल मचा है ना, तो वही हाल उस पहलवान के गांव में मचा हुआ था कि अंतिम संस्कार के लिए भी पर्याप्त नहीं था कुछ। तो बच्चों एक पेज और रह गया है, चलो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं एक बार, अगर हो जाए तो। किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते तो चूं भी नहीं करते थे। शाम के समय का जो माहौल होता था रात का वो बिल्कुल अलग होता था, उनकी बोलने की शक्ति भी चली जाती थी। पास ही दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की हिम्मत माताओं की नहीं होती थी। रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी, यानी पहलवान की ढोलक ही केवल उस रात्रि के सन्नाटे को चुनौती देती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गाँव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्यविहीन, यानी गाँव वालों को न तो दवाइयाँ थी न उपचार था, आधे मर पड़े हुए थे, अधमरे थे, उन प्राणियों में वो ढोलक की आवाज़ क्या करती थी, संजीवनी शक्ति भरती थी। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दृश्य दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति शून्य स्नायुओं में बिजली दौड़ जाती थी, और जिन शरीरों की जो नब्ज थी वो टटोलने से भी नहीं मिलती थी। अचानक इस ढोल की आवाज़ से क्या होता था, उनमें जोश आ जाता था। अवश्य ही ढोल की आवाज़ में न तो बुखार उठाने का कोई गुण था, पैरासीटामोल तो थी नहीं ढोलक, न महामारी के सर्वनाश शक्ति को रोकने की कोई शक्ति थी, पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई भी तकलीफ नहीं होती थी, मृत्यु से वो डरते नहीं थे। जिस दिन तो ये फायदा होता था गांव वालों को कि उनको कम से कम मौत का भय नहीं था, यानी वो मौत की जो पीड़ा है, मौत से पहले की जो पीड़ा है उसमें वो अपने आप को संभाल पाते थे। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेट आघात में पड़े, असह्य वेदना से छटपटाते, दोनों ने कहा था बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ, तो एक दिन क्या हुआ, उसके बच्चे मरणासन्न स्थिति में आ गए और उन्होंने मांग की कि पिताजी वो ताल बजाओ जिसमें आप उठा पटक दे वाली बात सुनाते थे। तो पहलवान ने क्या किया, पूरी रात उठा पटक दे वही चटाक चटदा वाला तान सुनाता रहा। सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान, बीच बीच में पहलवानों की भाषा में अपने बच्चों को उत्साहित भी करता था, मारो बहादुर यानी लड़ो इस बीमारी के साथ। प्रातः काल उसने देखा उसके दोनों बच्चे जमीन पर निस्पंद पड़े थे, दोनों बच्चे मरे पड़े थे, दोनों पेट के बल पड़े हुए थे, एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद ली थी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की और कहा ओह मेरे दोनों बहादुर गिर पड़े, यानी मेरे दोनों बच्चे चले गए मर गए। उस दिन फिर क्या किया उसने लुट्टन ने, उस दिन राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी झांकियां पहन ली, सारे शरीर पर मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की, फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लादकर नदी में बहाया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए, कितनों की तो हिम्मत टूट गई थी। किंतु रात में क्या होता है, रात में पहलवान भी मर जाता है। संतप्त माताएं अपने बेटों से कह रही थी दोनों पहलवान के बेटे मर गए हैं, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, डेढ़ हाथ का कलेजा है जो तक संभला हुआ है। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी, ढोलक नहीं बोली तो पहलवान के कुछ दिलेर और बीमार शिष्य ने जाकर के प्रातःकाल देखा कि पहलवान भी की लाश जो है वो चित पड़ी है। आंसू पोंछते हुए एक चेले ने कहा गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं पेट के बल सुनाना, यानी पीठ के बल नहीं पेट के बल सुनाना, मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ, और चिता सुलगाते समय ढोलक भी बजा देना। और ये बात कहते ही वो पहलवान का जो शिष्य था वो चुप हो गया और रोने लगा। तो कहानी ख़त्म हो गई और टाइम भी इसका वीडियो का पूरा हो गया। धन्यवाद।